बताएंगे कि EDTA वाइन जो होती है आपको पता है लेवेंडर टॉप वाली पर्पल कलर का जिसकी टॉप होती है या लेवेंडर हम उसे बोलते हैं, उसके अंदर जो एंटी कोएगुलेंट यूज होता है वो किस तरह बनता है या हम ये वाइन किस तरह बना सकते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि लैब में काम करते हैं, कुछ ही लैब्स भी हैं, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं बड़ा अच्छा कि वाइल्स जो हैं वो आप बना सकते हैं और यू कैन सेल देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर EDTA बल्ब्स। ये 4 ग्राम पर डेसीलीटर होता है इसका। 20 μL of this solution is dried per bottle which contains 0.8 mg of dry chemical and prevents coagulation of 1 to 2 ml of blood. तो ये जो अंदर solution use होता है यानी कि जो anticoagulant है ये 20 μL होता है और इसके अंदर 0.8 जो है वो mg dry chemical होता है और ये 1 to 2 ml of blood जो हम यहाँ तक fill करते हैं ब्लैक निशान तक उसको ये कोएगुलेशन जो है इसकी नहीं होने देता। अगर आप ज्यादा डाल देंगे या कम डाल देंगे तो ये प्रोपोर्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये ठीक से काम करेगा कि नहीं। बैलेंस चाहिए आपको, EDTA पाउडर चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, माइक्रोपिपेट, स्पैचुला, हॉट एयर ओवन, वायल्स और स्टोरिंग बॉटल। ये हमारे कॉनिकल फ्लास्क और मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। स्टेप्स पे आ जाएं। पुट बैलेंस इन प्लेन सरफेस एंड बैलेंस इट प्रॉपरली। आपका जो बैलेंस होता है उसके अंदर आपने इसको प्लेन सरफेस पे रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस और प्रॉपरली बैलेंस कर लेना है आपने इसको। पुट इक्वल साइजेस ऑफ पेपर पीसीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। यहाँ पे इक्वल साइज के पेपर रख लेना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। पुट 4 ग्राम वेट ऑन वन साइड ऑफ द पैन। एक साइड पे आपने 4 ग्राम वेट रख लेना है। पुट EDTA पाउडर ऑन अदर साइड टिल इट शोज 4 ग्राम वेट। यहाँ पे आपने इस पेपर पे EDTA पाउडर रखते जाना है, ऐसे बॉटल से आप डालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जब 4 ग्राम शो इक्विवेलेंट हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इसका मतलब ये 4 ग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज पुट EDTA पाउडर इन कॉनिकल फ्लास्क। ये आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, इसके अंदर आपने EDTA पाउडर जो है इसको डाल देना जो आपने मेजर किया 4 ग्राम। मेजर 100 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। पुट इट इन कॉनिकल फ्लास्क हैविंग EDTA एंड मिक्स। अब आपने मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर लेना है कितना 100 ml। आपने मेजर कर लिया 100 ml, वो आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है जिसके अंदर EDTA पाउडर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पिपेट 20 μL ऑफ एंटी कोएगुलेंट सोल्यूशन इन ईच क्लियर एंड ड्राई वायल। अब आपने क्या लेना है, इसके अंदर पिपेट करना है 20 μL और उसको वो जो वायल है आपके पास उसके अंदर डाल देना है कितना 20 μL पिपेट से मेजर करके। पुट वायल इन हॉट एयर ओवन एट 60°C फॉर 30 मिनट्स। और ये जो वायल आपने बनाई है तो आप हॉट एयर ओवन में रख देंगे 60°C पे 30 मिनट्स के लिए। दिस इज़ आर हॉट एयर ओवन और इसके अंदर हम रखते हैं वायल्स को। सो आई विल शो यू के कैसे रखते हैं। ये अब हम अपनी वायल को विदाउट स्टॉपर 60°C पे 30 मिनट्स के लिए रख देंगे उसके अंदर हॉट एयर ओवन के अंदर। स्टोर वायल बाई पुटिंग लिड ओवर इट एंड कीप इट इन सेफ प्लेस। अब आपने इसको लिड लगा देनी है और इसको सेफ प्लेस में रख देना है कि कोई कंटेमिनेशन ना हो। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ EDTA वायल।